या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नॉलेज ट्रांसफ़र, नॉलेज मैनेजमेंट का टॉपिक है और सेकंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 7। ये चूंकि सिलेबस और कंटेंट्स में 7 नंबर था तो इसलिए इसको मैंने नाम दिए लेक्चर नंबर 7 कि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र ये इंतहाई अहम, हर एग्ज़ाम में तकरीबन नॉलेज ट्रांसफ़र या नॉलेज शेयरिंग ज़रूर एग्ज़ाम में इसका एक सवाल होता है। तो नॉलेज जो नॉलेज ट्रांसफ़र है आज इसको हम पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट नॉलेज ये क्या चीज़ है? ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉलेज मीन इजीली रिटन डाउन आर कोडिफाइड, यानी एक नॉलेज को आसानी से लिखने और कोडिफिकेशन करने को उस नॉलेज को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, दूसरा इसकी खूबी क्या है? इजी टू आर्टिकुलेट एंड कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन में इंतहाई आसान है, दूसरों को समझाना इसका इंतहाई आसान है। इजियर टू ट्रांसफर बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, आसानी से ट्रांसफर होता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज रिजाइड इन फार्मूलेट टेक्स्ट बुक आर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी ये जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है ये क्या है? ये फार्मूलेट टेक्स्ट बुक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से इसकी है एक्सप्लिसिट नॉलेज? फेसबुक है, एड्रोबी है, ब्लॉग है। ठीक है, कैन ईजीली बी ट्रांसमिटेड आर शेयर यूजिंग आईटी टूल्स, यानी एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसके ज़रिए? सोशल मीडिया के ज़रिए। ठीक है, नेट के ज़रिए और आईटी टूल हम इसे कहेंगे। आईटी प्ले इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज अलोन कैन क्रिएट ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद बखुद एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ठीक है, अब ये एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है ये बहुत इजी, ठीक है, इजी तरीके से कोडिफिकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसफरिंग और फार्मूलेशन टेक्स्ट बुक और टेक्निकल फॉर्म में, ये इसका मतलब है ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है। अब है टेसिट नॉलेज, वी नो मोर देन वी टेल। टेसिट नॉलेज क्या है? आप तमहीद के लिए ये कह रहा है कि हम जो कुछ कहते हैं उससे ज़्यादा हम जानते हैं, लेकिन कहना बहुत मुश्किल होता है और हमारे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो वी नो मोर देन वी टेल, यानी हम जो कहते हैं बोलते हैं उससे ज़्यादा हम जानते हैं। टेसिट नॉलेज इज़ दैट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब आर एक्सप्रेस। टेसिट नॉलेज बहुत मुश्किल है कि हम इसको डिस्क्राइब करें और एक्सप्रेस करें। ठीक है, टेसिट नॉलेज, व्हाट इज टेसिट नॉलेज, क्या है ये? इट इज़ ए नॉलेज विच इज़ यूजुअली ट्रांसफर्ड बाई डिमॉन्स्ट्रेशन रेदर देन डिस्क्रिप्शन एंड इनकम्पासेस सच थिंग्स ए स्किल। ठीक है, यानी ये वो नॉलेज है जो डिमॉन्स्ट्रेशन से ट्रांसफ़र होती है और इसकी कोडिफिकेशन मुश्किल होती है। ठीक है, और ये कंपासेस आर डिस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल है और इस ये स्किल के ज़रिए सीखी जाती है। ठीक है, इन कंट्रास्ट ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज, टेसिट नॉलेज कैन नॉट बी एक्सप्लिकेटेड फुली इवन बाई एन एक्सपर्ट, यानी ये एक एक्सपर्ट भी जो टेसिट नॉलेज है ये एक एक्सपर्ट भी आसानी से बयान या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट इज़ ट्रांसफर फ्राम वन पर्सन टू अनदर ओनली थ्रू ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ, यानी आप एक लॉन्ग प्रोसेस करेंगे तब आपको टेसिट नॉलेज अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, टेसिट नॉलेज इज वर्क रिलेटेड प्रैक्टिकल नो हाउ दैट इज लर्न इनफॉर्मली ऑन द जॉब। ठीक है, यानी इनफॉर्मली ये जो है टेसिट नॉलेज ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, प्रैक्टिकल है और हमने इसको किस तरह सीखा
ये भी बहुत मुश्किल है इसमें, ठीक है। आगे टेसेट नॉलेज क्या चीज़ है, जो मुश्किल नॉलेज है, इट इज़ ए नॉलेज विच इज़ यूजुअली ट्रांसफर बाई डिमॉन्स्ट्रेशन रेदर देन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और वही बारह आया है, ठीक है। बेकिंग विच वन इज ए टेसेट नॉलेज विच इज ए एक्सप्लिसिट नॉलेज, यानी इसमें टेसेट नॉलेज कौन सा है और एक्सप्लिसिट नॉलेज कौन सा है, ठीक है। लिस्ट डाउन द एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टेसेट नॉलेज दैट यू कैन थिंक अबाउट, यानी अपनी तरफ से आप बना सकते हैं टेसेट नॉलेज। नॉलेज कन्वर्जन, यानी नॉलेज जो कन्वर्जन है ये इसका अलग टॉपिक है, ठीक है। ये नॉलेज ट्रांसफर में ये शामिल है। कन्वर्जन मीन एक्सचेंज एडाप्टेशन और ट्रांसलेशन। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, एडाप्टेशन है और ट्रांसलेशन। इन ईच केस एन इंडिविजुअल पर्सनल नॉलेज इज ट्रांसफर इन टू ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज विच एक्सप्लेन एक्सपेंड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज अवेलेबल टू द कंपनी एज ए होल। Making personal knowledge available to others should be central activity of the knowledge and innovation creating company. It takes place continuously and at all level of organization. Through these interaction, an organization create a knowledge process called knowledge conversation. In an organization प्रोसेस जो है ये नॉलेज क्रिएट करता है, ठीक है। मॉडल, मॉडल क्या है नॉलेज कन्वर्जन का, सीआई मॉडल, ठीक है। टेसेट नॉलेज स्पेशलाइजेशन इंटरलाइजेशन टेसिट नॉलेज एक्सप्लिसिट और टेसिट एक्सप्लिसिट इंटरलाइजेशन नॉन नॉलेज कन्वर्सेशन चेंज एडॉप्ट, ठीक है। इसी मॉडल इज ए बेस्ट अप्रोच टू डिस्क्राइब द वे नॉलेज इज जनरेटेड आर ट्रांसफर्ड रिक्रिएटेड इन ए ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ है कि नॉलेज जो है इस मॉडल के जरिए ये क्या होता है, बार बार रिपीट होता है और इसके जरिए नॉलेज ट्रांसफर होता है। टेसेट नॉलेज और एक्सप्लिसिट, दोनों नॉलेज, जो टेसेट नॉलेज है और एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मॉडल भी है, ठीक है। ये भी आप इंटरेक्शन डिस्कसिंग एनालाइजिंग ऑब्जर्विंग टेसेट और नॉलेज कस्टमर सप्लायर, ठीक है। यहाँ पे है मॉडल है, स्पेसिफिकेशन है, कस्टमर और सप्लायर है और टेसेट नॉलेज, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल कस्टमर सप्लायर एंड स्टेक होल्डर। एक्सटर्नलाइजेशन क्या चीज है, एक्सटर्नलाइजेशन मीन क्या, टेसेट और एक्सप्लिसिट नॉलेज मैनेजर के जरिए यंग टीम और एरिया पर ये एक्सपेंसिव नॉट चीप और ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन, ठीक है। ये सब इसके आगे आगे ये चीज़ें आप खुद देख ले, ठीक है। ये वही सी की मॉडल जो है, सी मॉडल जो है वो फेस टू फेस है, स्टोरी टेलिंग है, ब्लॉग्स है ये, ठीक है। हॉपस्कॉच मेक ए ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टूडेंट इन ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाए जिसमें 4 स्टूडेंट हो। विच इज द लेक्चर, व्हाट इज द लेक्चर, वॉच द लेक्चर प्ले द गेम रिफ्लेक्ट बैक द एक्सपीरियंस टू यू हैव बीन थॉरली पास्ट ऑन सीईसीआई मॉडल। एक्सप्लेन इन ए क्लास और फिर अपलोड इन इट इन योर 30 मिनट्स आपके पास है और ये बेडिंग में कन्वर्ट करें। 7 स्टोन जो है, ठीक है, टेसिट नॉलेज, ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है, द
teacher demonstrated you, friend, your friend how to play. ये socialization है. Externalization क्या है? Video shows of seven stone. Write down the steps from the video. ये combination है. और internalization, internationalization, internalization. Practice plus seven stone. CC model. ये एक model है. और अब है knowledge transfer. ठीक है. The ability of organization to transfer knowledge. Critical factor in K. यानी ability क्या है? Transfer of knowledge है और उसकी organization है. Key dimension of learning organization. Your learning organization है उसके key dimension. ठीक है. और learning occurs when knowledge is one part of organization is transferred effectively to other part and used to solve the problem. एक तरफ से दूसरी तरफ. ठीक है. और दोनों तरफ का problem फिर solve हो जाता है. Strategy of knowledge transfer. जब हम knowledge transfer करेंगे तो हम दूसरे के साथ किस तरह इसको स्ट्रेटजी बनाएंगे. ट्रांसफरिंग एक्सप्लिसिट एंड ट्रांसफरिंग टेसिट नॉलेज. मेथड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर. बेस्ट प्रैक्टिस. कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस. वाटर कूलर. टॉक रूम. नॉलेज फेयर एंड ओपन फोरम. मॉनिटरिंग. इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज. ठीक है. तो ये क्या है? स्ट्रेटजी है आप ट्रांसफर नॉलेज की. स्ट्रेटजी ऑफ नॉलेज ट्रांसफर क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स व्हाई ऑफ अचीविंग ए स्पेसिफिक रिजल्ट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इन एन इफेक्टिव वे. ठीक है. यानी किस तरह हम एक जो डॉक्यूमेंट है उसको इस सर्कमस्टेंसेस में अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और इफेक्टिव वे से किस तरह हम इस हालात से निकल के नॉलेज को ट्रांसफर करें. इट इज कंसेप्ट बेस्ड ऑन लेसन्स लर्न बाई वन ग्रुप दैट आर पास्ड ऑन द टू अदर ग्रुप. इन दिस वे एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन फोकस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टास्क रेदर देन द फर्स्ट डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू accomplish the task. यानी यहाँ पे पहले लोग टास्क प्रेजेंट करते हैं फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं. दिस कैन बी सेव बोथ टाइम एंड मनी. इस वजह से क्या होता है? मनी और टाइम दोनों सेव होते हैं. कैन फैसिलिटेट आर मोर कंसल्टेंट ऑफ रिजल्ट. स्ट्रेटजी फॉर प्रैक्टिस मिनिमाइज द सिल्यूट थिंकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ए मेटाफर ड्रॉन फ्रॉम द लार्ज ग्रैंड सॉल दैट वन कैन नॉट थ्रो आउट द यूएस वाइड वेस्ट मिडवेस्ट. टीम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड अलोन ईच ऑल्सो मे बी ओपनिंग क्वाइट effectively in there, but they don't work together to create an optimal performance for them. यानी ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों optimal maximum performance के लिए तैयार नहीं है. Community of practice. Community of practice जो है is a network of individual with common publisher and इंटरेस्ट विद गेट टुगेदर. दोनों का आपस में जो आमना सामना करना पड़ता है. एक्सप्लोर वेज ऑफ वर्किंग आइडेंटिफाई कॉमन सोल्यूशन एंड शेयर गुड प्रैक्टिस इन आइडिया. ठीक है. यानी काम करें आइडेंटिफाई कॉमन सोल्यूशन. आसान कामों को आप या आम कामों को आप आइडेंटिफाई करें और फिर लोगों में वो काम शेयर करें.
आगे क्या है, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस द करेक्टरिस्टिक, यानी करेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिटी प्रैक्टिस की, ठीक है। द कम्युनिटी प्रैक्टिस इज द कम्युनिटी डोमेन द प्रैक्टिस। आगे है द करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, ये असल में इस तरह है कि ये जो क्या है, ये नॉलेज ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो इसके ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ कम्युनिटी के प्रैक्टिसेस है, यानी डोमेन क्या है, द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इज समवन मोर देन ए क्लब आर देयर फ्रेंड, यानी ज़्यादा लोग, यानी जो आम रूटीन में जो मिलते हैं वो वाले नहीं, उससे ज़्यादा लोग। द कम्युनिटी, कम्युनिटी का क्या मतलब है, इन परसुइंग देयर इंटरेस्ट इन देयर डोमेन, मेंबर्स एंगेज इन जॉइंट एक्टिविटीज एंड डिस्कशन, हेल्प ईच अदर, ठीक है। कम्युनिटी में एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, द प्रैक्टिस मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस आर प्रैक्टिशनर्स, दे डेवलप ए शेयर रिपीटेड ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस, स्टोरीज, टूल्स, वेज ऑफ एड्रेसिंग रिकरिंग प्रॉब्लम, इन शॉर्ट ए शेयर्ड प्रैक्टिस। दिस टाइप इंटरेस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस, ठीक है। कम्युनिटी प्रैक्टिस क्या है, वाटर कूलर क्या है, वाटर फेयर क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, ठीक है। ये मॉनिटरिंग थोड़ा सा वो करें, मॉनिटरिंग इज इन डेवलपमेंटल पार्टनरशिप थ्रू विच वन पर्सन शेयर नॉलेज, स्किल, इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिसेस टू फास्टर द पर्सनल एज डिस्कस ऑफ ग्रोथ ऑफ लाइफ समवन एल्स, ए ट्रस्टेड काउंसलर, ए गाइड, ठीक है। A mentor is an individual usually older, always more experienced, who help and guide another individual of development. One by one ये monitoring हो सकती है, ठीक है, और team के जरिए भी हो सकती है। इसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, सपोर्ट नॉलेज मैनेजमेंट में, रिट्रीविंग में है, डिसिमिनेशन एक्विजिशन में। नो सिंगल टेक्नोलॉजी डेटा केवर ऑल ऑफ द मैपिंग नॉलेज, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर में सारे काम उस पर नहीं हो सकते, किसी कई काम ऐसे है जिसके लिए आपने अपने सॉफ्टवेयर उसके यूज़ करने हैं। टीम आप इसको पढ़े, आप इसको समझे कि ये जो मैंने पढ़वाया है ये क्या चीज़ है, ठीक है। सीरियल ट्रांसफ़र, नियर ट्रांसफ़र, फेयर फार ट्रांसफ़र, स्ट्रेटेजिक ट्रांसफ़र और एक्सपर्ट ट्रांसफ़र, ठीक है। ये इस पे होता है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ये आप पढ़े, इसको समझे और किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर मुझे आप कॉल बैक करें मुझे और मुझसे पूछे किसी चीज़ में समझ ना आए, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये है नॉलेज मैनेजमेंट में टॉपिक है नॉलेज ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है, और टेसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज बहुत सस्ता है, आसान भी है, लिखना भी ट्रांसलेट करना, लेकिन टेसिट नॉलेज जो है वो मुश्किल है और इंतहाई मुश्किल है।